गया जिले के आदर्श पंचायत सैया में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। लाओआ वार्ड नंबर 13 निवासी लाभार्थी अनिल यादव के साथ ऐसी ही घटना घटी है। अनिल यादव के नाम पर आवास योजना दी गई। सारे कागजात अनिल यादव की पत्नी रिंकू देवी के नाम पर थे, लेकिन पहली किश्त का पेमेंट दूसरे के नाम पर चला गया। लाभार्थी को इसकी जानकारी भी नहीं थी। जब जांच करने वाले लोग अनिल यादव के घर पहुंचे और कहा कि अभी तक आपने एक ईंट भी नहीं रखी है, आप पर प्राथमिकी दर्ज होगी, तब अनिल यादव को सब जानकारी हुई। अनिल यादव को ये बात सुनकर झटका लगा कि जब हमें कोई राशि मिली ही नहीं तो घर कैसे बनाए। अनिल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनसे 20,000 रुपए की मांग की गई थी, लेकिन हम गरीब आदमी पैसे कहां से लाते। तब मुखिया और आवास सहायक ने आवास योजना का पेमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर डलवा दिया, जिसका नाम उससे मिलता जुलता था। प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक अब वो दौड़ लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। पिछले बार कभी आया कि नहीं किस्त वगैरह? एको नहीं किस आया हमको। ये जांच पड़ताल में मतलब आपका मकान आया था? हाँ, मकान में। हाँ, मकान खाली आया, फेटू लेके गया कॉलोनी के, फिर कॉलोनी आया तो हमको। कितने लोग आए थे अधिकारी लोग फोटो लेने? चेक आया कॉलोनी के, तो फेटू मोबाइल ने दिखाया कि आपके फेटू है। अच्छा, क्या नाम हुआ? रिंकू देवी। कहाँ रहते हैं? लखनऊ पंचायत। पंचायत सही है। प्रखंड से आवास योजना में मेरा आवास आया मेरा पत्नी के नाम से, और जो मैंने पूछा गया, पूछे उनको तो नहीं बताया, फिर भी बाद में पता लगा, कोई सहायक चेक करने के लिए घर पर स्थल जांच करने के लिए आया, तो बोला कि जे तुम्हारे नाम से कुल्ली आवास आया हुआ है, तो बोले कि तो कैसे हमको पता है, तो मेरा पत्नी को फेटू बताया और आईडी नंबर दिया। वो आईडी नंबर पर वीडियो साहब तक गए तो डायरेक्ट गए तो बोले, तो बोला कौन कहा दिया, तो हम बोले कि जो वहाँ जांच पड़ताल में गए थे वो बोले, तो बोला कि ठीक है जो आपको मैंने फिर से रिकवरी करेंगे ऐसे वैसे, बाद मैंने 1200 करके रख दिया। आज कम से कम 9 महीना हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अच्छा, जब पहला किस्त में नाम आया था आपको, वो पहला किस्त को बलाफा दे दिया गया था, कहा कि जो पहला किस्त आया जो कोई पता नहीं मेरा था, वो बीच में फिर उस पहला किस्त ले लिया, उठा लिया था, उसको बाद कोई जांच पड़ताल में आया, वो व्यक्ति ने मेरा बताया कि जाकर घर स्थलीय जांच करने के लिए आया, तो बताया कि तुमको मैंने आवास आया हुआ है, तो मैं कहें कि हमारे आवास नहीं आया हुआ है, मेरी माँ तो मसमात है, उसको नाम से आवास मैंने आया है, वो अलगी रहती है तो उसको नाम से आया, मेरा आवास नहीं आया है, मैं तो हम अकेला है, मेरा परिवार है। तो बोला कि मुखिया के पूछे, मुखिया बोला कार चले। कौन मुखिया? अभी आप क्या चाहते? सहिया पंचायत का मुखिया है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि मेरा सही आवास को मिला जाए। इसके लिए कहाँ कहाँ गए? यहाँ गए, डीडी सर के पास भी गए, और ये जो अति होता है, हाँ, जो जनता दरबार लगता है उस जगह भी आवेदन दिए, तो बोला कि आवेदन गया हुआ है बजीरगंज प्रखंड में, जाके स्थलीय जांच किया जाएगा, मगर आज तक 9 महीना में मेरा कोई सहायक। नाम बता दीजिए और घर का पता बता दीजिए। मेरा घर लखौहा है, पोस्ट सहिया है, थाना बजीरगंज है, जिला गया है, ब्लॉक बजीरगंज है। गलत पेमेंट कर दिया गया है दूसरे लोगों को, ये कहां से गलती हुई? नहीं, ये गलती नहीं हुआ है, जो आधार लिंक करने वाले आए हैं, जैसे आप जैसे लोग और कोई हैं, उनका पता नहीं थे, दो नाम से गांव में जाना जाता है, और दो नाम से किसी एक का नाम आधार लिंक कर दिया गया, जिसका लिंक हो गया उसी के नाम से पैसा आना शुरू हुआ, उसी का खाता में पैसा आ रहा है, गलती कहीं किसी से जानबूझ के नहीं हुआ। तो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलना चाहिए जो नहीं, जिनका नाम से लिंक आधार हुआ, जिसका आधार लिंक हुआ उसी का मिल रहा है। जांच जिनका नहीं मिला उसका घर में नहीं, इन्होंने आवेदन दिया है कि इंदिरा आवास मेरा था जो दूसरा का हो गया, जब हम लोग छानबीन किया तो वैसा कोई गलती नहीं हो, गलती हुआ आधार लिंक करने वक्त, और कोई बात नहीं है।